हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाल का चीला रेसिपी वीडियो। ये बहुत ही पॉपुलर इंडियन स्नैक है। इसे ब्रेकफास्ट या इवनिंग टी टाइम स्नैक, एज ए लंच और डिनर, एक कंप्लीट मील की तरह भी सर्व किया जा सकता है। जैसे चाहें बनाएँ और जैसे पसंद आए खाएँ। आइए देखते हैं इस इंडियन स्नैक की रेसिपी के लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। दाल का चीला बनाने के लिए हमने एक बड़ा कप मूंग धुली दाल को 2.5 से 3 घंटा पहले पानी में सोक कर लिया है, और उसके बाद में हमने इसे अच्छी तरह से 3-4 बार पानी में धो के और छान के ले लिया है। फिर हम इस्तेमाल करेंगे 150 ग्राम पनीर का। यहाँ पे आप अपनी पसंद की सभी वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पीली शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई आधी हरी मिर्ची का यूज़ करना है। बहुत ही कम प्याज का इस्तेमाल किया है, ये आधा प्याज है, और आधी हमने गाजर को बारीक चॉप कर लिया है, ग्रीन कैप्सिकम है, और उसके बाद में हमने लिया है अदरक जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मसालों में हमें हींग चाहिए, 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। चीले को बनाने के लिए हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीला बनाने के लिए हम दाल को पीस लेंगे। दाल को हम 2 भाग में पीसेंगे क्योंकि हम ग्राइंडर का जार ले रहे हैं, और इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हाफ क्वान्टिटी दाल ही इसमें आएगी। और इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी दाल अच्छी तरह से पिस पाए। और फिर हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1/2 टीस्पून से कम इसमें हींग डालेंगे। हींग को हम दाल के साथ इसीलिए पीस रहे हैं क्योंकि दाल के साथ ब्लेंड होके इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ हमने हींग ऐड कर ली है। ये आप समझ लीजिए कि 2 से 2.5 चुटकी हींग का हमने इस्तेमाल किया है। इसमें आप अगर चाहें तो आप हरी मिर्ची साथ में डाल सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्ची वेजिटेबल्स में ऐड कर लिया है। तो अब हम इस दाल को अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ये दाल हमारी पिस चुकी है, ये ज़रा भी दरदरी नहीं होनी चाहिए। इसमें दाल का कोई भी दाना लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए। आप चम्मच घुमा के इसे चेक कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा हो तो आप मामूली सा पानी, 1.5 चम्मच पानी डाल के इसे दोबारा से ग्राइंड कर सकते हैं। ये दाल हमारी पिस के तैयार हो चुकी है, और अब हम स्टफिंग को बनाएंगे। उससे पहले हम दाल में मामूली सा नमक डाल के इसको 5 मिनट के लिए अलग छोड़ देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए अच्छे से फेंट देंगे। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग को बनाने के लिए पहले पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे, और इसके बाद में इसमें डालेंगे जीरा। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून जितना जीरा ऐड कर लिया है। हींग हम पहले ही दाल में ऐड कर चुके हैं, इसीलिए अब हम इसमें सीधा प्याज डाल देंगे, और इसमें अब हम हमारे सभी वेजीज को ऐड कर लेंगे। शिमला मिर्ची, येलो बेल पेपर और गाजर। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्च और मामूली सा गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1/2 टेबलस्पून नमक डाला है, और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून जितना ही गरम मसाला। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया पत्ती, और इसे तेज गैस पे सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये क्रंची ही अच्छी लगती है। सिर्फ लाइट सौते करेंगे, और फिर फ्लेम बंद करने के बाद में इसमें हम पनीर को कद्दूकस करके मिलाएंगे। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। हम इसे ढककर 40 सेकेंड्स के लिए सौते होने देंगे। ये हमारी सभी वेजिटेबल्स अब तैयार हैं। गैस को ऑफ करके अब हम इसे निकालेंगे। यहाँ हमने पनीर को पहले से ही कद्दूकस करके रख लिया है, और अब इस स्टफिंग को हम पनीर के साथ में मिक्स कर लेंगे
पनीर को हमने पैन के अंदर इसलिए नहीं पकाया है क्योंकि पनीर अपना काफ़ी मॉइस्चर और पानी जो है वो छोड़ देता है। अगर पैन के अंदर पनीर को पकाया जाए तो आपकी स्टफिंग जो है वो बहुत ही गीली बनेगी। एक तरफ हम नॉनस्टिक पैन को हीट करने के लिए रख देंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चीला बनाने के लिए गरम पैन पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्लेम को तेज़ करके ऑयल को चारों तरफ रोटेट करके पैन को थोड़ा ग्रीस होने देंगे और एक्सेस ऑयल को किचन नैपकिन से वाइप ऑफ करेंगे और दोबारा से हम इस पर चीला फैलाएंगे। अब आप किसी भी आकार के चीले को बना सकते हैं। बच्चों के लिए दे रहे हैं तो आप छोटे आकार के बनाएं, नहीं तो आप मीडियम आकार के चीले बना सकते हैं। एक करछी फेन अच्छे से भर के हमने ले लिया है और सेंटर में डालते हुए हम सेंटर से ही दाल को फैलाएंगे। बीच में करछी को बिल्कुल भी उठाएंगे नहीं और इस तरह से फैलाएंगे कि सारा फेन बिल्कुल समान आकार में और क्वांटिटी में चारों तरफ में फैल जाए। देखिए, ये हमने चीले को सेंटर से भी घुमा लेना है और चारों तरफ हमने इस बैटर को इक्वल स्प्रेड कर लेना है। फ्लेम को थोड़ा तेज़ करते हुए हम चीले के चारों तरफ थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा तेल सेंटर में भी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम मामूली सा सिर्फ गार्निश पर्पज़ के लिए थोड़ा सा हरा धनिया फैला देंगे और स्पैटुला से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये चीला हमारा एक साइड से सिक चुका है और अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 30-40 सेकंड्स के लिए सिकने देंगे और इसे ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इसे दोबारा से पलट लेंगे। ये चीला यहाँ से सिक चुका है और इसमें हम अब मामूली से स्टफिंग, बहुत ज़्यादा स्टफिंग चीले में अच्छी नहीं लगती है तो ये हम इसमें चीले में थोड़ी सी स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। बस ये हमारा चीला अब तैयार है। एक साइड से इसको यहाँ से फोल्ड करिए, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करिए। इसी तरह से हमें सभी चीलों को तैयार। तो ये हमारे दाल के चीले सभी बनकर अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, एक नई डिलीशियस रेसिपी के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स विद अस।